दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। गाइस, हरियाणा पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम के लिए आज का ये रीजनिंग का पहला वीडियो है, जो कि आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 1 होगा, जिसमें हम लोग टॉप 10 क्वेश्चन करेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट हैं। तो पूरा वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, और जो भी क्वेरी थे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। 46 से 47 क्वेश्चन को करने से पहले सबसे पहले जो निर्देश दिया गया है उसको पढ़ लेते हैं। कहता है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द अक्षर संख्या को चुनिए। मतलब आपको क्वेश्चन का टाइप बता देता हूँ, जैसे कि एड्स का संबंध है वायरस से, तो मलेरिया का संबंध किससे होगा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है। तो 46 है एड्स वायरस, तो मलेरिया किससे होगा। तो गाइस देखिए, जिस प्रकार जो एड्स होता है वो आपका किससे होता है, वायरस से, मतलब विषाणु से होता है। उसी प्रकार अगर मलेरिया की बात करते हैं तो मलेरिया किससे होता है, तो एग्ज़ाम में भी आता है कि मलेरिया रोग किससे होता है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रोटोजोआ से। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए गाइस, 58531 का संबंध है 11 से, तो 78363 का संबंध किससे होगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए गाइस, 58531 है, उसका संबंध है 11, मतलब आपका कहीं ना कहीं डिवाइड हुआ होगा तभी तो 11 आया होगा। देखिए, सबसे पहले हम लोग ऊपर लिख लेते हैं अंश में 58531 और बटे डिवाइड कर देते हैं 11 का। अगर ये कट जाती है तो 78363 भी आपका कटेगा 4 ऑप्शन में से कोई एक संख्या से। ओके, तो काटते हैं, तो 11 5 55 बचा 3, फिर 11 3 33, फिर बचा 2, 11 2 22, फिर 11 1 11। देखिए कट गया आपका 11 से। अब हम लोग 78363 को काटेंगे। देखिए, अब है हमारा 78363, 363 में लास्ट में 3 है, तो ये 2 से तो कटेगा नहीं, ना ही 4 से कटेगा। हो सकता है 9 से भी कट सकता है और 7 से भी कट सकता है, तो हम लोग 7 से पहले काट कर देते हैं 78363। तो 7 से काट के देखते हैं, 7 1 7, फिर 7 1 7, फिर 7 1 7, ये नहीं कटेगा आपका, तो खलास। फिर देखिए 9 की बात करते हैं, अब 78363 को 9 में डिवाइड करते हैं, तो 9 8 72। ओके, तो ये कटेगा, पूरा का पूरा कट जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 9 से ये डिवाइड हो जाएगा 78363। अगला क्वेश्चन गाइस है, दिए गए विकल्पों में से विषम को चुनिए। मतलब ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से एक ऐसी संख्या चुननी है जो अन्य तीनों से भिन्न हो, मतलब सबसे अलग हो। तो गाइस, सबसे पहले हम लोग बी वाले को सॉल्व करते हैं। आपकी संख्या है 34 12, अब आपको क्या करना है, आपको बी से डिवाइड कर देना है और आगे वाले 3 और 4 को मल्टीप्लाई कर देना है, तो लास्ट वाला 2 डिजिट आपको मिल जाता है, 3 चक्कू 12। यही तरीका आगे भी फॉलो करके देखते हैं, अगर आगे फॉलो हो जाता है तो हम लोग सभी में फॉलो कर देंगे। अब है हमारा 45 20 45 20 में 2 2 को, मतलब 2 2 20 से डिवाइड कर देते हैं और आगे वाले 4 का 5 में मल्टीप्लाई, तो आपका मिल जाता है 20 20। देखिए लास्ट में आपका आ रहा है। अब डी की बात है, 67 42, तो 6 और 7 का मल्टीप्लाई, तो कितना आएगा, 42, लास्ट में देखिए 42 है। अब ए की बात करते हैं, 2 और 3 का मल्टीप्लाई करते हैं तो आना चाहिए 6, लेकिन दिया हुआ है 0 8, तो आपका विषम हो जाएगा ऑप्शन ए। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, नीचे एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे। तो गाइज, आपको यहाँ पर बताना है कि क्या आएगा। तो गाइज, 105 से 130 बनाना है, तो 105 से 130 बनने में कितना ऐड हुआ, प्लस का 25। अब 130 से 180 बनाना है तो कितना ऐड हुआ, प्लस का 50। ओके, अब 180 से 255 बनाना है तो कितना ऐड हुआ, 75, प्लस का 75। अब देखिए, 25 से 50 बनने में कितना बना, 25 का अंतर है, मतलब 25 से 50 बनने में प्लस 25 ऐड हुआ, अब 50 से 75 बनने में प्लस का 25। तो जब दोस्तों इसमें हो रहा है तो 75 में भी तो आगे 25 ऐड होगा, तो 25 ऐड करते हैं 75 में, तो आपका हो जाता है 100, और इस 100 को हम लोग 255 में ऐड कर देंगे, तो आपका आंसर हो जाएगा 355। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं गाइस। देखिए, अगला क्वेश्चन है, यदि 1 जनवरी 2013 को मंगलवार था, तो 31 जनवरी
सॉरी 31 दिसंबर 2013 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? तो गाइस देखिए, 1 जन को क्या था आपका 2013 को क्या था? मंगलवार। ओके, आप पूछ रहा है 31 दिसंबर 2013, सन तो वही है, तो कौन सा सप्ताह का कौन सा दिन होगा? आपको बताना चाहूँगा, एक चीज़ कॉमन होती है पूरे साल में, साल का पहला दिन और लास्ट का दिन, जो दिन होता है वो सेम होता है, अगर वो दिन सेम होता है मतलब 1 तारीख को अगर मंगलवार है तो लास्ट के साल के 31 तारीख को भी मंगलवार ही होगा। ओके, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मंगलवार। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए, मतलब मिसिंग नंबर फाइंड आउट करना है यहाँ पर। तो कैसे करेंगे? तो एक एक रो को लेके चलेंगे, पहले रो को, फिर दूसरे रो को, फिर तीसरे रो को। तो गाइस पहले रो को हम लोग अगर सॉल्व करते हैं तो कैसे करेंगे? अगर गाइस हम लोग इस 7 का क्यूब कर देते हैं, मतलब 7 तो दिया है और आगे 3 है, और 3 को हम लोग क्या कर देंगे? घात चढ़ा देंगे 7 पे, तो कितना आएगा? 343। और 343 को इसी में 7 घटा देंगे, मतलब इस 7 को 343 से घटा देंगे, तो आपका नया नंबर जो हो जाएगा 336 मिल जाएगा। यही तरीका हम लोग सेकेंड रो में करके देखते हैं, अगर फॉलो कर जाता है तो आगे भी यही करेंगे। तो गाइस देखिए, आपका है 11 और आगे है 2, 2 को हम लोग 11 के स्क्वायर में चढ़ा देंगे तो कितना आएगा? 121। और इस 11 को 121 से घटा देंगे तो कितना आएगा? 110, मतलब फॉलो कर गया, सेटिस्फाइड कर गया। अब हम लोग गाइस नीचे भी यही करेंगे, 8 तो दिया है, इस 3 को हम लोग घात चढ़ा देंगे 3, फिर कितना आ जाएगा आपका? 512। और इस 8 को 512 से घटा देंगे तो आपका कितना आएगा गाइस? आपको बता देता हूँ, 504। ओके, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इज़ राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए एक चीज़ बताना चाहूँगा, अगला जो क्वेश्चन है आपका डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का है, तो सबसे पहले आपको दिशाओं का ज्ञान होना चाहिए। देखिए ये वाली होती है आपकी पूर्व दिशा, ये होती है पश्चिम दिशा, ऊपर वाली होती है उत्तर दिशा, और नीचे वाली होती है दक्षिण दिशा। ओके, अब गाइस अगर पूर्व और दक्षिण के बीच की दिशा की बात करते हैं तो ये दक्षिण पूर्व हो जाता है, और पश्चिम दक्षिण की बात करें तो ये दक्षिण पश्चिम हो जाता है। और गाइस आप उत्तर मतलब उत्तर पश्चिम की बात करें, सॉरी पश्चिम और उत्तर के बीच की दिशा की बात करें तो ये उत्तर पश्चिम हो जाता है, और ये वाली बात करें तो उत्तर पूर्व हो जाता है। तो गाइस देखिए, सबसे पहले तो एक चीज़ देखना पड़ेगा, ये है आपका कार्तीय तल, आपने पढ़ा होगा डायरेक्शन के लिए, ये टोटल कितना होता है? 360 डिग्री, मतलब 360 डिग्री ये पूरा कोण होता है। और अगर आधा कर दें तो आधा कितना होता है? 180 डिग्री। मतलब एक चीज़ जान लीजिएगा, जैसे कि ये है, अगर आप इस दिशा में हैं नीचे की तरफ दक्षिण की तरफ, और अगर आप 180 डिग्री मोड़ना चाहते हैं क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज तो घड़ी की दिशा में ऐसे मुड़ जाएंगे, मतलब आप सीधे डायरेक्ट उत्तर में चले जाएंगे, दक्षिण से सीधे उत्तर में चले जाएंगे, तो आपकी दिशा हो जाएगी उत्तर। और अगर एंटी क्लॉकवाइज तो भी आप उत्तर में चले जाएंगे, ऐसे मुड़ेगा और क्लॉकवाइज ऐसे मुड़ेगा। ओके, तो कुछ बातें बता दी, अब हम लोग क्वेश्चन को करते हैं। देखिए क्वेश्चन कहता है, एक लड़का है अपने घर से मोटरसाइकिल चलाना शुरू करता है, मान लेते हैं कोई घर है ये, और इस घर से मोटरसाइकिल चलाना स्टार्ट करेगा, और क्या कहता है? पश्चिम दिशा में 8 किलोमीटर जाता है, तो पश्चिम दिशा ये वाली हो गई, कितना जाएगा? 8 किलोमीटर। अब आगे कहता है फिर बाएं मुड़कर 10 किलोमीटर जाता है, तो आपकी बाएं दिशा कौन सी हो जाएगी? अगर आप यहाँ पे ऐसे खड़े हैं पश्चिम दिशा की ओर, आपने आपको खड़ा करके देख लीजिएगा, तो आपकी बाएं दिशा जो हो जाएगी नीचे की तरफ होगी। ओके, तो कितना जाता है? 10 किलोमीटर। ओके, 10 किलोमीटर। आगे कहता है फिर वह घड़ी की सुई के चलने की दिशा में 180 अंश घूमकर, मतलब मैंने आपको बताया था अगर आप दक्षिण में हैं, अगर क्लॉक वाइज मतलब घड़ी की दिशा में करेंगे तो आप सीधे डायरेक्ट उत्तर में चले जाएंगे, तो 180 डिग्री घूमता है तो 16 किलोमीटर जाता है, तो इतना तो आपका 10 किलोमीटर है, 16 की बात करें तो आप सीधे थोड़ा और बढ़ा दीजिएगा, मतलब आप सीधे उत्तर की दिशा की ओर हो जाएंगे, तो टोटल आपकी ये डिस्टेंस हो जाएगी 16। आगे कहता है अंत में वह दाएं मुड़कर 8 किलोमीटर जाता है, तो आप यहाँ पर हैं अगर उत्तर दिशा में, तो आपका दायां कौन सा हो जाएगा? ये वाला यहाँ पे, तो 8 किलोमीटर ये हो जाएगा। अब वह अपने मूल स्थान से कितनी दूरी पर है? तो गाइस देखिए ये तो 10 है इतनी, और ऊपर ये कितनी हो जाएगी? 6, तो ये भी तो आपकी 6 हो जाएगी।
और ये स्टार्टिंग बिंदु है, तो स्टार्टिंग बिंदु से आप यहाँ पर जा रहे हैं उत्तर की ओर। तो देखिए गाइस, आपका आंसर हो जाएगा ये 6 किलोमीटर तो है, अब दिशा कौन सी हो जाएगी, ऊपर की ओर जाएंगे तो उत्तर, तो ऑप्शन है 6 किलोमीटर उत्तर की ओर। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन कहता है, ब्लड रिलेशन का है, एक लड़के का परिचय कराते हुए सिया ने कहा, मतलब लड़के का परिचय मतलब आपका जेंडर क्लियर हो गया है कि प्लस होगा पॉजिटिव होगा। देखिए जेंडर मेल के लिए पॉजिटिव और फीमेल के लिए निगेटिव होता है। तो सिया ने कहा कि भाई मेरे पिताजी का नाती है, तो एक सिया है यहाँ पर और पिताजी का स्थान ऊपर आएगा आपका, सिया जी के पिता का, और कहता है, कहती है, मतलब कहता है या कहती है, भाई मेरे पिता का नाती है, तो नाती कहाँ चला जाएगा, सबसे नीचे। ओके, नाती, और लड़के का परिचय करा रहा है, तो ये नाती क्या है, लड़का, इसका जेंडर क्लियर हो गया गाइस, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो मेरी कोई बहन या भाई नहीं है, तो सिया का कोई बहन या भाई नहीं है, केवल पिताजी हैं, तो सिया लड़के से कैसे संबंधित हैं। तो गाइस नाती जब है पिता, मतलब सिया का जो पिता है उसका नाती है, नीचे वाला लड़के का परिचय बता रही है, तो सिया का संबंध किससे हो जाएगा, आपको बता देता हूँ, ऑप्शन सी। तो जब सिया लड़के की माँ होगी तभी तो नाती होगा पिता का, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।